और ये भी बात बोल देता हूँ इम्पोर्टेंट बात कि देखिए सऊदी अरब में आ रहे हैं तो कितने आदमी को पता नहीं रहता है कि भाई सऊदी अरब जाएंगे। चलिए इंडिया में मेडिकल में अगर आप पास हो गए, मान लीजिए कुछ बीमारी भी है, तो आपने जो एजेंट है उसको पैसा देके और आपने पास करवा लिया, ऐसा ऐसा करवा लिया, कुछ भी करवा लिया उल्टा पुल्टा पैसा वैसा देके, एजेंट का काम क्या रहता है भेजना, वो कैसे भी आपको भेज देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आके आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो यहाँ पे सोचिएगा कि भाई यहाँ पे आए जाएंगे और यहाँ पर मेडिकल नहीं होगा, यहाँ पे मेडिकल होता है, समझ गए दोस्त, यहाँ पर मेडिकल होता है। जैसे आप हाउस ड्राइवर में आइएगा तो आपको मेडिकल, मैं जैसे आया ना, मैं अपना बात बता रहा हूँ, उसके हिसाब से सबको होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका बच्चा उच्चा रहता है, कपिल का बेटा बेटी, छोटा छोटा बच्चा, मान लीजिए आपको कुछ बीमारी है तो उस वो लोग शक करता है, आदमी आप भी शक करिएगा, हम भी कोई भी शक करेगा कि भाई बाहर का आदमी, उसको कुछ बीमारी तो नहीं है, ये नहीं होने। तो यहाँ पे पहली बार है कि आपको मेडिकल में 4-5 दिन हो जाएगा, 2-3 दिन या 10 दिन के बाद, जो भी जैसा कपिल रहेगा, तो आपको मेडिकल होगा ही होगा, ठीक है दोस्त। और मेडिकल का पैसा कपिल ही देता है, मुझे तो कपिल ही दिया था, अपने पास कहाँ से पैसा आए, नया नया आए रहेंगे तो यहाँ पे मेडिकल होता है, ठीक है भाई। आप जो बोलिएगा कि नहीं, तो कोई ऐसा कपिल नहीं होगा कि जो बिना मेडिकल का यहाँ पे ड्राइवर को रखेगा भाई, ओके दोस्त। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट मेडिकल होगा, लाइसेंस बनाने के लिए तो बता ही दिया बहुत वीडियो में, मुझे जो लाइसेंस बनाने के लिए कितना कपिल लोग जो है ना लाइसेंस बनाने के लिए जाता है, ड्राइवर का हेल्प करता है कि अपना ड्राइवर है चलो, और कितना कपिल होता है तो नहीं जाता है, उसका काम बिजी रहता है तो सोचता है कि क्या जाऊँ, वो खुद ही कर लेगा, और देखता है कि बंदा ठीक है। मैं जैसे मुझे देखा तो समझ गया कपिल कि ये जो है लाइसेंस निकाल लेगा, तो मैं निकाल लिया लाइसेंस, तो ये एक दिन भी नहीं गया। और कितना कपिल का, कितना लड़का को देखता था, उसका कपिल ज़्यादा था तो उसको कंप्यूटर टेस्ट के बारे में कुछ हेल्प कर देता था, जैसे जो भी है पैसा, मुझे तो कपिल एटीएम खुलवा दिया, मैं एटीएम एनसीबी बैंक है तो ऐसा है। और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो है यहाँ पर जो सऊदी अरब में आइएगा नया ड्राइवर लोग भाई, और पुराना भी है तो सुन लीजिए एक बात, कि यहाँ पर मैं जब नया नया आया था तो मुझे मालूम नहीं था कि भाई पैसा जो है कौन बैंक से भेजना है, अरे इंडिया में कैसा है तो हम कौन सा भी बैंक में भेज देते हैं तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज रेट हर बैंक अलग अलग देता है, कितना भाई लोगों को नहीं मालूम होगा तो भाई जानकारी ले लो मेरे से, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कोई कोई बैंक अलग अलग पैसा देता है। जैसे हो गया यहाँ पर बैंक का नाम बता देता हूँ आपको, अच्छा पैसा, जैसे आप मान लीजिए यहाँ का 1 रियाल का इंडिया में 18 रुपया, अभी 19 रुपया चल रहा है अभी का डेट में, ठीक है। तो आपको कौन सा बैंक अच्छा पैसा देता है वो आप, उसका वीडियो भी बहुत पड़ा हुआ है, डेली रियाल रेट का जानकारी देता है, तो आपको उसमें बताएगा कि आज ये बैंक इतना पैसा दे रहा है ये बैंक, नहीं तो एक एप्स भी है उसमें देख सकते। तो मुझे तो पता नहीं था भाई, मैं तो जैसे कपिल खुलवा दिया था एक बैंक, उसी में मेरा सैलरी आता है बैंक में, और कितना को तो हाथ में देता है, साइन साइन करना पड़ता है खाली, तो हमको जो है भाई, हम तो एनसीबी बैंक से भेजते थे पैसा, एनसीबी बैंक जो है 17 रुपया, जैसे 18 साढ़े 18 रुपया रेट रहता था तो 17 रुपया देता था, ज़्यादा पैसा काटता है, टैक्स भी काटता है, 22 रुपया टैक्स की कुछ है, और पैसा भी एक्सचेंज रेट बहुत कम दिया, हमको क्या मालूम, हम तो नया नया थे, अब बचता भी था मेरा 700 रुपया, 2 महीना तक 700 रुपया बचा, 1400 मेरा सैलरी है, 2 महीना तक 700 रुपया बचा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मॉल में सस्ता मिलता है सामान, देख लीजिए मॉल में मिलता है कि कहाँ मिलता है, यहाँ पर बताया है इधर है उधर है, सस्ता सस्ता जो मार्केट है, तो आप नए नए आइए अगर कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ है, हम भी 2 महीना तक ऐसे ही वकाला जो बोलते हैं यहाँ से छोटा मोटा दुकान, वहाँ पर ज़्यादा महंगा मिलता है, जैसे कोई मॉल उल में जाइएगा तो ऑफर ऑफर रहता है तो सस्ता मिलता है, तो हमें उतना पता नहीं है कि ऐसा ऐसा भी होता है यहाँ पे, तो हम तो खाली वकाला से अपना सामान जो है ले लेते थे। अब मान लीजिए चावल लेते थे 5 किलो तो 40 रियाल का आता था, और अभी पांडा में जाते हैं, जैसे पांडा मॉल है यहाँ पे, तो उसमें जाते हैं तो 10 किलो चावल आता है 50 रुपये में,
55 रुपया में, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो वही वही लेता हूँ, सस्ता वाला ही लेता हूँ भाई, गरीब आदमी 1400 सैलरी है समझिए, तो 50 वाला चावल है टेलीफोन का, ऐसा मैं अभी का डेट में 50 से 52 ऐसा ज़्यादा नहीं है, तो कितना 10 किलो का है 52 रियाल, ठीक है भाई, तो वहाँ से थोड़ा सस्ता में पड़ जाता है तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। और जो आप जो बोलिएगा कि वकाला से सामान खरीदेंगे, तो वकाला से भाई बहुत महंगा मिलता है, मैं जो 700-700 रुपया में बचा बचा, और एक तो पानी खरीदने का मालूम नहीं, पानी कहाँ से खरीदता है, वकाला से खरीदता था 750 रियाल का, अब मान लीजिए 700 रुपया 2 महीना तक बचा मुझे, तो 700 रुपया का जोड़ लीजिए इंडिया का कितना हो गया है, 12,000 11,000 12,000 13,000 हुआ होगा, ठीक है, तो 2 महीना तक उतना ही पैसा भेजा, 700-700 रुपया खर्चा हो जाता था मेरा, मैं भी सोचता था आप कैसे, बताइए बता देता हूँ, पानी लेते थे हम तो पानी पीते हैं, यहाँ पे इतना धूप है ना कि आप डेली दो पानी तो आपको चाहिए, तीन तीन चार 18 लीटर वाला 3-4 बोतल तो चाहिए, महीना में आप लोग जैसा पीजिएगा, महीना में मैं जो है भाई 5 बोतल मतलब 100 100 रुपया का 100 रियाल यहाँ का पानी पी लेता था, ठीक है फिर मैं जो है सुट्टा नहीं मारता हूँ, वो सब में 50 खर्चा हो जाता है, 150 ऐसे हो गया, फिर चावल उबल ये सब लीजिएगा आपका ऊपर है, तो यही है नया ड्राइवर आइएगा तो थोड़ा समझ लीजिए सामान वामान खरीदिएगा, और हमें ये भी नहीं मालूम था कि भाई फ्री में भी पानी मिलता है यहाँ पे सऊदी अरब में, मस्जिद में भी पानी मिलता है, लेकिन मस्जिद का उतना फिल्टर इतना साफ नहीं है हम लोग का इधर, अब बाकी जगह कैसा होगा, तो मस्जिद में भी पानी मिलता है फ्री में, फिल्टर लगा रहता है, ये नहीं कि गंदा, उतना पैसा बचाने के चक्कर में गंदा भी पानी मत पी लीजिए, किडनी खराब कर लीजिएगा कहीं कहीं अच्छा अच्छा पानी मिलता है भाई, कहीं जगह जैसे यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं तो वो लोग क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा बंगला है कपिल लोग, तो वो लोग जो है यहाँ पे फ्री में गरीब लोग को पानी एक टैंकर लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 रियाल में भी पानी भरता है भाई, 2 रियाल में जो टैंकर आता है तो 2 रियाल लेगा, और वो अच्छा टैंकर वाला अच्छा पानी रहता है, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं, तो हम वैसे ही टैंकर से 2 रियाल में मंगा लेते हैं, ठीक है भाई, तो ऐसा करिए, नहीं तो कितना आदमी जाता है पानी भरने के लिए ड्राइवर लोग, जैसे आपके पास बोतल नहीं है तो किधर बोतल जुगाड़ कर लीजिए और जाइए अपना उधर, जिधर कोई ड्राइवर से बात करिए कि भाई पानी, नए ड्राइवर के लिए बोल रहा हूँ कि भाई पानी कहाँ मिलता है फ्री में, ऐसा ऐसा वो ड्राइवर लोग जाता रहता है, वो बता देगा कि भाई चल नहीं है तो थोड़ा रिक्वेस्ट करिए भाई थोड़ा मदद करो यार, पैसा नहीं बच रहा है, ऐसा बता दिए, मैं भी नया नया में तो पैसा बच जाएगा, ओके दोस्त, वीडियो लंबा हो रहा है, और कुछ जानकारी दूंगा सऊदी अरब के बारे में, मेरा तो चैनल यार डेली 2-3 बढ़ रहा है, 10-20 व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, नया नया हूँ, और एक दो कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, चलो 750 हो गया सब्सक्राइबर तो चलिए गुड बाय, ये देखिए मेरा गाड़ी है, मैं अभी आया हूँ, वो मैडम का बच्चा को लेके हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में मैडम गए, मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहा हूँ पार्किंग में, ओके, तो मैं बोला चलिए कुछ जानकारी दे देते हैं, जो भाई लोग आ रहे हैं नए नए में, तो उसको पानी कहाँ से भरना है, देखिए खाना खुद बनाना पड़ेगा, मैं खाना बना रहा था कल, ये देखिए क्या हो गया, देखिए पक गया, देख रहे हैं तो भाई खाना वाना बना लिया है, तो कहीं सीख के आई है कि यहाँ पर खाना बनाने पर, यहाँ तो बीबी नहीं है नवरत है तो कहीं सीख के आई है अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा भाई खाना बीना बनाने में, जैसे मार्केट उर्केट, चलिए खुदा हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार, तो हम थोड़ा यहीं पे रुके हुए हैं, देखिए कैसा जगह रुके हुए हैं, देखिए ये झाड़ बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ पे, और ज्यादा झाड़ यहाँ पे नहीं मिलता, सूख जाता है, देखिए ना सूख गया हुआ, तो लीजिए तो रखते हैं, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोकिए, ठीक है, जानकारी आपको अच्छा पसंद है भाई, जानकारी देना चाहिए आदमी लोग को, क्योंकि जो नया ड्राइवर आता है, जैसे मैं आया, मुझे पता नहीं कहाँ से पानी भरना है कहाँ से क्या, तो मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा आप समझ गए होंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।